दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी के तहत आज के डेट में कराई गई कनिष्ठ सहायक या जूनियर असिस्टेंट भर्ती की हम बात करें, आप देख पा रहे हैं 27 अगस्त पेपर एनालिसिस। बिल्कुल आपके इस वीडियो में हम आपके जो भी पेपर हुए हैं आज के डेट में कनिष्ठ सहायक या जूनियर असिस्टेंट के, हालांकि पेपर एनालाइज की ज़रूरत तो नहीं है, आपने देखा और पेपर अच्छी तरह से दिया भी, ठीक। आपके बीच में तमाम तरह के कॉमेंट आ रहे हैं और यहाँ चीजें आप देख पा रहे हैं, 1262 पदों के लिए आपकी भर्ती परीक्षा कराई गई, जो कि आप अच्छी तरह से देकर चले आए। आपके बीच से लगातार अभ्यर्थी कमेंट कर रहे हैं कि भैया आखिरकार सेफ स्कोर इस भर्ती का क्या रहने वाला है। सेफ स्कोर के बाद यहां आप देख पा रहे हैं आपकी जो एक्सेप्टेड कट ऑफ है वो क्या हो सकती है, और विभिन्न चैनल के माध्यम से आपको 70-72 कट ऑफ बताई जा रही है। 70-72 जिनके भी कट ऑफ बन रहे हैं वो ध्यान दें, ठीक है। फाइनली हम इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, मैं हूं संजय, आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। मैं निवेदन करूंगा कि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिए, सबसे पहले आपके बीच में हम उस पेपर को दिखाना चाहेंगे जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। देखिए, आपके बीच में पेपर लगा हुआ है, आप देख पा रहे हैं। हिंदी की अगर हम बात करें, जैसा कि पहला ही क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, कौन सा मूर्धन्य व्यंजन है, ठीक है। हिंदी की अगर हम बात करें तो हिंदी आपकी काफ़ी अच्छी खासी आई हुई थी, यानी बिना जल्दी आ रही है विधेय जो है विस्तारण इसमें पूछा गया है। यहाँ देख पा रहे हैं सुमित्रा नंदन जी की कृति नहीं है, सारी चीज़ें आप देख पा रहे हैं। हिंदी आपके थोड़ा सा अच्छे लेवल की आई थी, लेकिन अगर बात करें हम के लिए किस कारक का चिन्ह है, आप इसे हम बात करें, जो कारक वगैरह आपने देखा होगा इसे आप शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं, हालांकि यह क्वेश्चन तो किसी का भी गलत नहीं हुआ होगा, ठीक। आगे यहां देखिए, और भी चीजें आप देख पा रहे हैं, और भी क्वेश्चन को हम दिखाना चाहेंगे। अब यहां देखिए, नीचे दिए गए अशुद्ध मेल कौन सा है, घोष अघोष भी दिया गया है, ठीक है, इस चीज को देखिएगा। और भी आगे हम आपको दिखाना चाहेंगे। रीजनिंग की हम आपके बीच में अगर बात करें, सामान्य बुद्धि परीक्षण यानी जनरल इंटेलिजेंस टेस्ट, यह हिंदी आपकी काफ़ी बेस्ट लेवल की आई हुई थी। रजनी को लेकर अभ्यर्थी जो है वो परेशान नजर आए, अगर बात करें हम उनसे पूछा गया कि भैया रीजनिंग में क्या कुछ पोजीशन रही, तो उनके द्वारा रीजनिंग का थोड़ा सा जो है स्पष्ट तौर पर ये चीज़ें कहा गई कि भैया जो हिंदी हमारी आई थी, जो रीजनिंग आई थी वो रीजनिंग अपने आप में बिल्कुल बेस्ट लेवल में आई थी। और भी हम आपको दिखाना चाहेंगे, आप अच्छी तरह से देखते हुए चलिएगा, हालांकि मुझे ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत तो नहीं है, आपने सारे क्वेश्चन को देखा और जो है सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट भी किया है। कंप्यूटर आप देख पा रहे हैं, कंप्यूटर भी अपने जो है अगर बात करें हम काफ़ी अच्छे लेवल में कंप्यूटर भी पूछा गया था, ठीक है, आप कंप्यूटर के देख पा रहे हैं। अगला आपको दिखाना चाहेंगे, जो भी चीज़ें हैं आपके बीच में स्पष्ट रूप से देखिए, यूपी स्पेशल आपसे पूछा गया है। यूपी स्पेशल अगर बात करें हम, अगर आप यूपी के अभ्यर्थी हैं तो यूपी स्पेशल लगभग हर परीक्षाओं में पूछा जाता है, ठीक है। इन सभी चीज़ों को आपने देख लिया, आपके मन में यह डाउट उठ रहा होगा कि पेपर के देखने के बाद हमारा जो सेफ स्कोर है वो क्या रहने वाला है। देखिए, सेफ स्कोर के बारे में अगर हम बात करें तो अगर आपका लगभग 75 के आसपास में सेफ स्कोर बन रहा है तो बिल्कुल आप सेफ हो सकते हैं, ठीक है। फिलहाल के लिए लोग आपके बीच में एक्सेप्टेड कट ऑफ का डाटा दे दिए हैं, लेकिन अभी हम अपने चैनल के माध्यम से आपको एक्सेप्टेड कट ऑफ जो है वो प्रोवाइड नहीं करेंगे, चूँकि चैनल का यह काम नहीं है कि पेपर हुआ नहीं आपके बीच में कट ऑफ का वीडियो दे दिया जाए भैया, लेकिन 75 वाले बिल्कुल ध्यान देंगे, 70-72 और 75 वाले वो फिलहाल के लिए सेफ हैं। हालांकि जो आप सभी के द्वारा आंकड़ा जो है कलेक्ट किया जा रहा है, जब लगभग 1500-1600 बच्चों का आंकड़ा आ जाएगा तो उसके बाद हम कट ऑफ का वीडियो आपके बीच में निर्धारण करेंगे। अभी से यार आप परीक्षा देके अभी अपने कमरे पर नहीं पहुंचे होंगे, अपने घर पर नहीं पहुंचे होंगे और फटाक से कट ऑफ का रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो हम आपके बीच में ठोंक दें तो यह काम अच्छा नहीं है। जो कट ऑफ आपके बीच में प्रोवाइड की जाए बिल्कुल सटीक अगर दिया जाता है तो अपने आप को बड़ी खुशी महसूस होती है, ठीक है। इसलिए मैं प्लीज निवेदन करूंगा कि आप कट ऑफ की मांग जरूर कर रहे हैं, हम अभी उसे देने में असमर्थ हैं। हम कट ऑफ का वीडियो फाइनली आपको तब देंगे जब सारी चीजें खुद ब खुद क्लियर हो जाएंगे कि कितना कट ऑफ जा रहा है सेफ स्कोर। अभी ये 70-72 वाले भी थोड़े से कंफ्यूजन में है जहां तक मेरा अनुमान है, लेकिन फाइनली जब एक आंकड़ा आ जाएगा तो उसके बाद खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा कि आपकी जो कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है, ठीक है, और सेफ स्कोर क्या हो
सकता है। तो फाइनली आपने पेपर एनालाइज को कर लिया है, पेपर आपने दिया भी है अच्छा खासा, ठीक है। कहीं कहीं पर कुछ शिकायतें नज़र आई, लेकिन सारी चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए ठीक है आप एक्सेप्टेड कट ऑफ के बारे में आप जानना चाह रहे थे, तो मैं आपसे बता दिया कि एक्सेप्टेड कट ऑफ का वीडियो अभी इस वीडियो में मैं नहीं दे पाऊंगा, आप अगले वीडियो का इंतज़ार करिएगा, जैसा भी होगा चैनल के माध्यम से आपको इन्फॉर्म किया जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं तक, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।